ओ मैडम, का सेहरा सुहाना लगता है, दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। अब बोल, दहेज नहीं देगी, बोल बोल ना। आवड़े चाय लाना। ओ मैडम बैठो ना, अकादन नहीं हमारे पास। अरे सर, वो एक FIR लिखवाना था। सर सर आए का ना, वो एक FIR लिखवाना था। आए का ना सर। क्या हुआ मैडम, क्यों टेंशन ले रहे हो आप? मैं हूँ ना। मेरे हस्बैंड और मेरी सास मुझे फिजिकली बहुत टॉर्चर करते हैं। आप FIR लिखो ना प्लीज। ओ मैडम, देश में और भी तकलीफें है देखने के लिए, ये घर घर की चीजें अपने पास रखो ना आप। सर लिख रहे हो ना? ए तावड़े चाय लाना। अरे सर सर सुनो ना, सर 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 प्लीज। तुम चुप करो, सब तुम्हारी गलती है। बोला था नहीं करनी शादी, पर फिर भी तुमने मेरी नहीं सुनी। कहाँ थी तू, कहाँ गई थी? लगाना मुझे, पुलिस में कंप्लेन कर दिया मैंने। पुलिस में कंप्लेन करेगी चाकू पर? सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट ये फैसला लेती है कि निशा शर्मा का दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, उसे जल्द से जल्द मेंटल हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। पागल ये है, इसकी सास है। मैं पागल नहीं हूँ। मैं नहीं, एक सेकंड, मैं पागल नहीं हूँ। ऐसा आप मेरी बात सुनो। नहीं नहीं नहीं, मैं पागल नहीं हूँ। नहीं, लेके जाओ रे इसको, अच्छा खासा पैसा मिल गया। आवाज़। 9 साल पहले एक दुल्हन की कहानी सुर्खियों में आ गई थी। उस दुल्हन का नाम था निशा शर्मा। निशा दुनिया के लिए मिसाल बन गई थी, लेकिन अब उसी निशा की ओर से दर्ज कराए गए दहेज के आरोप को कोर्ट ने बनावटी ठहरा दिया है। अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। मुनेश दलाल, मुनेश की माँ विद्या दलाल, मुनेश की चाची सावित्री दलाल और नवनीत राय। निशा शर्मा की मौत के बाद अब इस केस की आगे कार्रवाई नहीं की जा सकती। इस केस को यही बंद कर दिया गया है। और नवनीत राय। बेटा आपका नाम क्या है? अबीर। आपने इतनी अच्छी किताब कैसे लिखी? Dum 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 d